नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश तड़ोच अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और शॉर्ट एंड का आपको नया चैप्टर बताने जा रहा हूं और चैप्टर का नाम है सर्कल्स एंड लूप्स टू फाइनल हुक। ये जैसे हमने पीछे पढ़ा था प्रीसीडिंग हुक, इनिशियली जो हुक थी उसके साथ में आर्क के साथ में सेम उसी तरह से वो शुरू में था, ये लास्ट में आता फाइनल हुक। जैसे 10 लिखना है तो 10 कैसे लिखेंगे, ये 10 हो गया, ठीक है, ऑन द लाइन आएगा। अब हमने टेंस लिखना है, TENSE, तो क्या करेंगे, TN और S, इसको जो ऐसे करते हैं मिला देंगे। अगर ऐसे रखेंगे तो TS रहेगा, इसको ऐसे मिलाने से N भी इसके प्लस जो है N हो गया, ठीक है, तो ये टेंस हो गया। अब टेंसेस लिखेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, टेंसेज हो गया। टेनिस लिखेंगे तो उसमें एसटी लग जाएगा, ये टेनिस्ट हो जाएगा। टेनिस्टर लिखेंगे तो एसटीआर की लूप लग जाएगी और इसमें भी प्लस एन आ जाएगा, प्लस एन, यानी टेन टेंस टेंसेज, टेनिस्ट टेनिस्टर। अब इसके ऑपोजिट जो हुक होती है दूसरी होती है टफ, एफ और वी की होती है, तो टफ लिखना है, सपोज करो ये टीएफ। अब टफ होगा तो इसके साथ में हुक के अंदर ही सर्कल लग जाएगा, अगर ऐसा कोई वर्ड है तो, ठीक है। और कर्म में तो जैसे लाइंस लिखना है तो एल एन एस लाइंस हो गया। फाइंस लिखना है एफ एन एस फाइंस हो गया। फेंस लिखना है, एक फेंस ऐसे होता है जिसको कि बुकों बोला कि ऐसे ना लिखकर ऐसे लिखना है, ऐसे भी लिख सकते हो जो जल्दी लिखा जाता है। और एक फेंस ऐसे होता है इसको हम एफ एन एस से, लेकिन पढ़ना आपने तो आपने वही यूज करना है जो जल्दी लिखा जाता है, ये जल्दी लिखा जाएगा। ये जो फेंस है इसकी जो स्पेलिंग है वो ऐसे है, एफ ई एन अपोस्ट्रोफ क्यू एस, तो जो आपको जल्दी लिखा जाता है वही यूज करना होता है शॉर्ट एंड में। तो ये चैप्टर था, और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।